एमजी हेक्टर को एक्सप्रेस हाईवे पे ले आए हैं। तो अगर आप ये गाड़ी प्लान कर रहे हो तो आप देख लो कि हाईवे पे जब गाड़ी जाएगी तो क्या परफॉर्म करेगी। 150 ब्रेकिंग कैसी है? 150 पे ब्रेक ले रहे हो? भाई साहब आप कंट्रोल कर रही है आगे की स्पीड से, लेन आ रही है, मुड़ रही है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मेरा नाम है दक्ष और आज हम रखेंगे अपना पक्ष। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लाए हैं MG हेक्टर का भाई हाईवे, कोई आम हाईवे नहीं भाई, ये है यमुना एक्सप्रेस वे। वो देखो यमुना एक्सप्रेस वे पे MG हेक्टर पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट ऑटोमेटिक CVT है ये, एकदम टॉप एंड, इसमें एडास वगैरह सब आता है। ड्राइव रिव्यू यमुना एक्सप्रेस हाईवे। क्या 1.5 टर्बो की जो है परफॉर्मेंस रहती है ऐसी जगहों पे, स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें आपको जो है जानने को इस वीडियो में मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो MG की हेक्टर गाड़ी है भाई, ये टाटा की हैरियर सफारी से ज़्यादा बिकती है, बहुत बड़ी बात है ये। तो भाई अगर आप ये गाड़ी लेते हो या लेने की सोच रहे हो तो भाई हाईवे पे तो ज़रूर जाओगे, ऑब्वियसली जाओगे। सारी बातें जो है गाड़ी के अंदर चल के करते हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं, परफॉर्मेंस वगैरह आपको सब इसके दिखाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, मैं हूँ नवनीत, ये है दक्ष और हम रखेंगे अपना पक्ष। MG हेक्टर को एक्सप्रेस हाईवे पे ले आए हैं और एक्सप्रेस हाईवे पे ये क्या परफॉर्म करती है, क्या इसकी स्टेबिलिटी है, क्या राइड क्वालिटी है, सारी चीज़ें आज आपको पता चलने वाली हैं। तो दोस्तों मौसम बहुत ही बढ़िया, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बड़ा ही आनंद आने वाला आपको। सनरूफ का अलग आनंद है भाई साहब, टॉप एंड मॉडल है। पिछले एक हफ्ते से हम इस गाड़ी को चला रहे हैं, पिछले दो दिनों में 700 किलोमीटर चला दी होगी हमने, 400-500 किलोमीटर। तो एक गाड़ी को जानने के लिए वो तभी ज्यादा पता चलता है जब वो लॉन्ग टर्म में आपके पास रहती है। तो यार इसकी अब टेस्टिंग चल रही है और आपको रियली इसके बारे में बताया जाएगा कि हाईवे पे अगर आप हेक्टर को लेके जाते हो तो भैया हाईवे पे क्या स्टेबिलिटी है। इस समय हम 3 लोग हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले पावर वगैरह कैसी है? पावर डिलीवरी में कहीं कोई कमी नहीं है, 1.5 टर्बो है। 1.5 टर्बो बहुत ही रिफाइंड इंजन है इसके अंदर, बहुत और CVT के साथ अच्छा खासा ट्यून कर रखा है इसको। जैसे गाड़ी इस समय 100 प्लस चल रही है, 102 हुआ है इस समय। अगर आप मुझे अभी सडन पावर चाहिए इसके अंदर तो मैं हल्का सा पंजा प्रेस करूंगा। ये देखो गाड़ी ने अपनी स्पीड जो है एकदम बढ़ा ली, 115 पे आ गई है। अपने साइज के अकॉर्डिंग ऐसे चिपक के चलती है ये, लाजवाब फील होता है कि एक ना थोड़ी महंगी सेगमेंट की गाड़ी चल रही है, वेट वाली, प्रॉपर बैलेंस। MG ने बहुत बढ़िया काम कर रखा भाई। इस समय जो राइड क्वालिटी है ना, हम बात कर रहे हैं इसकी राइड क्वालिटी और स्टेबिलिटी की, वो भी एक्सप्रेस हाईवे पे। ये देखो आप पावर डिलीवरी देखो इसकी, ये देखो बाप रे। लाजवाब स्टेबिलिटी है भाई। 150 पे ब्रेक ले रहे हो भाई साहब, आपको यकीन नहीं होगा कि 150 की स्पीड पे भी ये इतनी स्टेबल चल रही थी गाड़ी। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब हम टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जाते हैं गाड़ी की तो लंबी मिलती नहीं है गाड़ी चलाने के लिए। 2 राउंड मार लो जी, 5 किलोमीटर चला लो जी, है ये हमारा रेडियस है जी। इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चलेगा कि अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ी लेते हो तो अगर हाईवे पे जाते हो तो क्या स्टेबिलिटी है इसकी। तो ये देख भाई, अब डल गया स्पोर्ट्स मोड भाई,
अच्छी अच्छी गाड़ियों के झूले बन जाते हैं जब वो 120 प्लस 150 160 तक चलती हैं। ये गाड़ी है, इतनी चिपक के चल रही है, इतनी प्लांटेड गाड़ी है यार, या 150 की स्पीड पे भी गाड़ी रॉक सॉलिड चल रही है, रॉक सॉलिड चिपक के चल रही है, चिपक के, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा दक्ष की कॉन्फिडेंस लूज हो रहा हो इतनी हाई स्पीड पे भी, और विजिबिलिटी के साथ तो यार मजा ही आ गया। स्टेबिलिटी देखो गाड़ी की, अभी तक गाड़ी थोड़ी सड़क ऊंची नीची है, ये देखो, ये देख सकते हो, एडास दिखाओ इसका एक बार, ये देखो ये एडास इसका ऑन हो गया, ये देखो, ये देखो भाई साहब पोठी बंगला तो अब एक्टिव हुआ है, ये देखो, ये है भाई महंगा फीचर, किसी को भी गाड़ी में बिठा के एडास ऑन कर दो वो बेचारे की आंखें बाहर आ जाएंगी कि भाई ये क्या गाड़ी अपने अब चल रही है, ये देखो, ये देखो पूरी लेन में चल रही है गाड़ी, ये देखो, ये देख लो मेरे हाथ, देखो ब्रेक लेनी शुरू कर दी इसने, आगे लेकिन ना ये इसी सड़क पे काम का है, यमुना एक्सप्रेस वे पे, ये देख लो भाई साहब ऑटो पायलट काम की चीज लग रही है एडास, या क्योंकि ना इसका टॉप मॉडल में लाख रुपए का फर्क है एडास वाले में और बिना एडास वाले में, यार सिर्फ आप अपने दिल को खुश करने के लिए ये देखो अपने आप टर्न ले लिया, ये देखो, ये देखो सामने दिखाओ, लेकिन अंदर ना एक फियर रहता है कि भाई साहब मुड़ तो जाएगी ना, मुड़ तो रही है, असिस्ट तो कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे लेन्स जो है ना बहुत ही क्लियर बन रखी है, ये देखो अगर मैं शहरों की बात करूँ ना वहाँ पे लेन्स मिटी हुई है, ये पिछले लगभग एक मिनट से मैंने हाथ छोड़े हुए हैं, आपको ड्राउजीनेस हो रही हो, सोने का मतलब नींद सी आ रही हो, तो ये यार बेसिकली है तो ये फीचर बहुत अच्छा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कोई बहुत ज्यादा काम का फीचर है, बस ये है कि कोठी बंगले वाला फीचर है, मतलब बंदे को साथ में बैठा हो तो भोकाल बनाने के लिए बहुत बिल्कुल, जैसे वो सैमसंग का फोल्ड वाला फोन नहीं आता भोकाल के लिए लेकिन एक है इसमें अडप्टिव क्रूज कंट्रोल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अपने आप स्पीड कम हो जाती है आसपास को जाता है, ये देखो अभी अगर स्पीड तेज कर रहा हूँ मैं, ये देखो अब आगे गाड़ी है उसके हिसाब से इसने स्पीड अपने आप ही कम करनी शुरू कर दी है, ये देखो ब्रेक ले रही है, ये देखो 90 कर दी इसने, देखो पैर पीछे ब्रेक पे नहीं है, ये पीछे है पैर बिल्कुल, ये देखो अब तो काफी गैप बन गया उससे, ये देखो वो उसके आगे वाली गाड़ी के हिसाब से स्पीड मेंटेन कर रही है और लेन भी अपनी मेंटेन कर रही है, देख ले भैया खुद ही चल रही है, आपको अंदर से फील गुड फैक्टर होगा कि भाई साहब मैंने 25 लाख रुपए खर्च करे हैं, ब्रेक ले ली गाड़ी अपने आप चल रही है, तू ये फीचर देख, ये देख, ये देख आगे वाली गाड़ी के हिसाब से पैर पीछे है भैया, ये देखो ब्रेक ले रही है गाड़ी अपने आप, एक्यूरेट काम कर रहा है एडास इसका, मतलब कोई गिमिक नहीं है इसके अंदर, मतलब खासकर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अंदर, हाँ लेकिन ऐसा लग रहा है अभी एडास लगा हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है स्टीयरिंग कोई और ही चला रहा है, अगर मैंने हाथ लगा वो टार्जन द वंडर कार नहीं थी, हाँ मतलब अपने आप चल रही है इस समय टार्जन द वंडर कार बनी हुई, ये देख क्या कैसे धीरे किया उसने अपने आप ही, अजय देवगन चला रहा है, ये देख और धीरे कर लिया गाड़ी, भाई साहब ये क्या कर रहा है भैया, अडास तो मजेदार, ये देख, ओए ओए ये देख, ये देख लेन में कैसे ले रही है पैसा वसूल, ओए ओए हेक्टर, ये देख भाई मजा कितना और तुमो, ये देख लो भाई साहब, ये देख अपने आप कंट्रोल कर रही है आगे की स्पीड से, लेन आ रही है मुड़ रही है टर्न आ रही है अपने आप टर्न ले रही है, आप देख सकते हैं, और आपने चीज नोटिस नहीं करी ये इस रोड पे एक्सप्रेस वे पे ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है डास, क्योंकि लेन्स बहुत क्लियर है इसमें, सिटी में किसी काम का नहीं है, सिटी में ऐसे समझ नहीं आता क्योंकि वहाँ पे लेन्स भी मिट रही है, लेकिन हाईवे पे तो बहुत ही काम का है ये, बिल्कुल आ गया, वैसे काम का क्या है अंदर से खुशी हो रही है बस देख के कि अपने आप चल रही है, नहीं अब काम का है नहीं ये तो पब्लिक को जनता को खुद डिसाइड करने दो, लेकिन हाँ काम एक्यूरेट करता है, काम एक्यूरेट करता है एडास, नाम का नहीं, काम कर नाम का नहीं है, मतलब खाली नाम का नहीं है, ये काम देखो, का है, ये देखो मैंने स्टीयरिंग छोड़ा ये वापस इधर लेके आ गई है, ये देख बिल्कुल सेंटर में रख रही है गाड़ी को, उंगली लगा ली भाई, कह रही है कि उसको लग रहा ड्राइवर सो रहा गया हो,
अरे सो अगर ड्राइवर सो गया तो फिर तेज आवाज कर कि टें 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 से कौन उठेगा। अगर हाईवे के हिसाब से मुझे दोस्तों जो सबसे बड़ा नेगेटिव लगा वो लगा इसके, एक तो पैडल शिफ्टर नहीं है गाड़ी के अंदर, दूसरा कि एक तो टायर नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है। कहीं फियर नहीं आता दिल में कि ब्रेक नहीं लेगी या ये है, मतलब पूरी एक्यूरेसी है ब्रेक्स के अंदर भी, ब्रेक्स भी लेके दिखा देते हैं इसकी। 90 की स्पीड पे ले रहे हैं, 90 की स्पीड पे हम ब्रेक ले रहे हैं। ओ भाई क्या बात है, क्यों हिला डाला ना। एक इमरजेंसी ब्रेकिंग दिखाते हैं आपको, ये तो एक नॉर्मल ब्रेक ली थी। अगर आप 80-100 पे चल रहे हैं और अगर आपको इमरजेंसी रुकना पड़ जाता है, ये देखो 100 की स्पीड पे 108 की स्पीड पे भाई साहब पूरी गाड़ी हिल गई अंदर में, देखा मतलब गाड़ी का सामान हिल गया। कैसी लगी स्टेबिलिटी? लाजवाब, जरा सा भी झूली नहीं गाड़ी, ट्रैक्शन परफेक्टली काम किया, मजा ही आ गया भाई। मतलब दोस्तों मेरा फीडबैक ये है कि हाईवे पे अगर आप गाड़ी को लेके जा रहे हो तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है MG हेक्टर के अंदर, चाहे आप अडप्टिव क्रूज कंट्रोल पे चलाओ, चाहे आप इसके अडास के साथ इसको चलाओ, चाहे आप नॉर्मली चलाओ, आपके दिमाग पे इतना सा भी बोझ नहीं महसूस हो रहा। ये देख, ये दिमाग पे तो बोझ तब महसूस होगा जब तेल डलवाना पड़ता है। हाथ बांधी है। ओ भाई भाई एडास मजा आ गया भाई, एडास के तो पैसा वसूल हो गया। टर्न्स में देखते हैं इसका एडास कैसा काम कर रहा है। भाई ये तक टर्न कर रही है कभी, देख 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 मतलब देख, दो दिन में हमने 500 किलोमीटर सफर चला दी और पूरे हफ्ते से हर कंडीशन में इसको टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि रिव्यू देने का फायदा तभी होता है जब आप गाड़ी को पूरी तरीके से जान चुके हो, आप समझ चुके हो, तब रिव्यू बनता है। तो अगर आप ये गाड़ी प्लान कर रहे हो तो आप देख लो कि हाईवे पे जब गाड़ी जाएगी तो क्या परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, MG हेक्टर टॉप मॉडल पेट्रोल CVT का हाईवे पे हाई स्पीड पे जो है ड्राइव रिव्यू, स्टेबिलिटी, एडास सब कुछ आपको दिखाया, आपके सामने रख दिया बेबाक रिव्यू। आनंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप किसी गाड़ी के डिसीजन में फंसे हुए हो तो आप जो है इस वाले नंबर पे जो है जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, व्हाट्सएप नंबर इस पे आप मैसेज करो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट्स बताओ, आप अपने रिक्वायरमेंट बताओ, बजट बताओ, सब कुछ बताओ, लिख के मैसेज करो, आपको रिप्लाई करेंगे। यही थी दोस्तों आज की वीडियो, आई होप आपको बहुत मजा आया, ऐसा रिव्यू आपको पूरे YouTube पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो यार दोस्तों कम से कम जो है ना 10,000 लाइक्स तो बनती है वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आज हमारे पास हेक्टर है, ये लॉन्ग टर्म यानी कि 700 से 800 किलोमीटर हम चला चुके हैं, कई दिनों से हमारे पास है। हर कंडीशन में टेस्ट करने के बाद, हर कंडीशन मतलब सिटी, ट्रैफिक, हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, स्टीप रोड्स, गलियां, बारिशों में ऑफ रोडिंग, ईच एंड एवरी, सब तरह से इसको निचोड़ के ना इसका पूरा पेज खोल दिए, सब कुछ कर दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड थी। तो दोस्तों ये वो 5-सीटर कार है जिसके अंदर 5 लोग राजा बन के जा सकते हैं, आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ बता के रख देंगे। लास्ट तक जरूर जुड़े रहना दोस्तों, अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ी प्लान कर रहे हो, SUV सेगमेंट की, तो ये वीडियो आपके बड़ा काम आने वाला है। MG हेक्टर का टॉप एंड मॉडल है ये हमारे पास इस समय, CVT वाला, पेट्रोल वाला, ये कितनी माइलेज देता है,
कितनी नहीं देता, 1.5 टर्बो की परफॉर्मेंस क्या है, हर चीज।